नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से। वृश्चिक राशि वालों, अगले दो दिन में आपकी जिंदगी में होगा एक बहुत बड़ा परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, अगले दो दिनों में यह दो कार्य होकर रहेंगे और बहुत सारी खुशखबरियां आपकी झोली में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुआ है और ना ही इसे कोई गलत कर सकता। वीडियो बहुत खास है, ग्रह नक्षत्रों के चाल के आधार पर आज की वीडियो का निर्माण हुआ है। अतः आप सभी भक्तों से निवेदन है, अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आने वाले अगले दो दिन आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो वहीं आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। अगले दो दिनों में क्या बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आने वाले हैं, क्या सावधानियां आपको बरतनी होगी, और सबसे जरूरी बात, वीडियो के अंत में हम उपाय भी दिए हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से, सच्ची सिद्धत से अगले दो दिन में ये उपाय कर लेगा, उनकी परेशानियां तो खत्म होगी ही होगी, साथ ही साथ कोई नई परेशानी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस योग में इतनी शक्ति ही है, शक्ति ही कुछ ऐसी है। आपसे बस दोनों हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये उपाय लेकर ही जाइएगा। सबसे पहले जो भी सच्चे भक्त सबसे बढ़कर अपने माँ बाप को मानते हैं, माँ बाप से सच्चा प्रेम करते हैं, वही वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जिस भी भगवान को आप सच्चे दिल से मानते हैं उनका नाम जरूर लिखें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक शुभ विचार, परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में तो कभी मजबूरियों के रूप में, भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जो लोग दूसरों से खुद की तुलना करते हैं उन्हें यह बात समझ आनी चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। बात अगर आपको समझ आई हो, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखें, राधे राधे, जय हो सांवरिया सेठ की, जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आने वाले अगले दो दिनों के राशिफल। दोस्तों, यह समय किसी अनुभवी तथा प्रभावशाली लोगों का सानिध्य मिलेगा, जिससे आपकी विचार शैली में सकारात्मकता आएगी, कार्यों में सफलता मिलेगी। सिर्फ अपने कार्यों को जल्दबाजी की बजाय सोच समझकर तथा शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो यह समय किसी नज़दीकी संबंधी की वजह से धन की हानि होने की स्थिति बन रही है। दूसरों की मदद की उम्मीद रखने की बजाय अपनी योग्यता पर ही विश्वास रखें। दूसरों के मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप अभी आपको नहीं करना है, अन्यथा आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, इस समय सकारात्मक ग्रह स्थिति बनी हुई है। बच्चों की उपलब्धि संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। परिवार के साथ मनोरंजन तथा ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ समय व्यतीत करेंगे, इससे आपसी संबंधों में काफ़ी ज़्यादा मधुरता आएगी। छोटी मोटी बातों को इस समय नज़रअंदाज करने की कोशिश करें और सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश करें, आपके लिए अच्छा रहेगा और इससे घर में सकारात्मक माहौल बना रहेगा। बजट का भी आपको इस समय ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। बढ़ते हुए खर्चों पर रोक लगाएं और फिजूल खर्चे अभी आपको नहीं करना है। आपसी ईगो और गुस्से की वजह से रिश्तों में कुछ अनबन हो सकती है। नकारात्मक प्रभाव के लोगों से दूरी बनाकर रखें और गुस्से को इस समय आप अपने ऊपर हावी ना होने दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, पिछले कुछ समय से आप किसी के साथ चल रहे खराब संबंधों में सुधार आएगा। अगर कहीं निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो उसे क्रियान्वित करने का बेहतरीन समय है। क्रियान्वित आप इस समय कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा लाभ दे सकता है। आपके आत्मविश्वास को भी बल मिलेगा और इस समय किसी भी यात्रा को स्थगित रखना आपके हित में रहेगा। कुछ विपरीत परिस्थितियां बनते कार्यों में रुकावट भी डालेगी, ऐसी स्थिति में धैर्य और संयम रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है।
पैसे को लेन देन टालने का प्रयास ही करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अंत होने से आप अपने कार्यों में फोकस नहीं कर पाएंगे, इस वजह से आपकी दिक्कतें बढ़ सकती है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, रिश्तेदारों में तथा मित्रों के साथ मेल मुलाकात के अवसर बनेंगे तथा आपसे संबंधों में भी सुधार आएगा। जमीन जायदाद संबंधित काम रुका हुआ है तो आज उसका कोई हल निकल सकता है। व्यस्तता के उचित परिणाम भी आपको मिलेंगे। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान देना है, किसी भी परिस्थिति में शांति और धैर्य बनाकर रखना आपके लिए जरूरी है। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप अभी आपको नहीं करना है। आपके साथ भी कुछ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। खर्चों के मामले में ज़्यादा दरिया दिल ना रखें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, सितारे कहते हैं रुका हुआ पैसा आय का स्रोत दोबारा शुरू होगा और आप अपने कार्यों को व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करने में सफल रहेंगे। पिछले कुछ समय से चल रही उथल पुथल से आज कुछ राहत मिलेगी। सामाजिक क्षेत्र में भी आपका संपर्क दायरा बढ़ेगा। वहीं दोस्तों, दूसरों की मदद करने से आपको आत्मिक खुशी मिलेगा, परंतु साथ ही साथ अपने कार्यों पर भी फोकस रहें, राजनीतिक संपर्कों का उचित करते रहें और गैर कानूनी कार्य से अभी आप दूर रहें। किसी के साथ भी जो है बेकार की बातों में अभी आपको नहीं उलझना है। वहीं दोस्तों, अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय कार्य क्षेत्र में कोई भी लिए गए व्यवसाय निर्णय उचित रहेंगे। कोई नया ऑर्डर मिलने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी जरूर हासिल कर लें। इस समय व्यवसायिक यात्रा को स्थगित रखना ही आपके लिए उचित रहेगा। ऑफिशियल गतिविधियों में आपकी विशेष भूमिका बनी रहेगी और आपको हर तरह से लाभ ही लाभ नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, बिजनेस में अपने प्रतिद्वंद्वियों से अभी सावधान रहें। बेहतर होगा अपनी गतिविधियों को दूसरे के सामने जाहिर ना करें। हालांकि कुछ नए कॉन्ट्रैक्शन भी हाथ आएंगे, ऑफिस के काम को लेकर कुछ चिंता आपकी रह सकती है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान इस बात का देना है, किसी को भी अपनी पर्सनल बातें, सीक्रेट बातें शेयर नहीं करना है, अन्यथा इनका खमियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। इस बात का आप ही को ध्यान रखना होगा। व्यवसाय में बजट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। इस समय कामकाज और जिम्मेदारियों की अधिकता रहेगी। साझेदारी संबंधित कारोबार में आपकी गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करें। नौकरी पैसा लोगों को योग्यता के मुताबिक अच्छे नतीजे मिलेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय पारिवारिक व्यस्तता बनाए रखने में आपका सहयोग करना आपसी संबंधों को और अधिक मधुर बनाएगा तथा आप घर वातावरण भी सुखद बना रहेगा। अत्यधिक व्यस्तता के कारण थकान और तनाव रह सकती है। कुछ समय अपने आराम के लिए भी जरूर निकालें और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, ये आपके लिए अच्छा है। दोस्तों, अगर खास उपाय की बात करें तो मिट्टी व धनिया को हल्के हाथ से मिक्स कर लें और फिर थोड़ा सा पानी उसमें डाल दें। ऐसा करने के बाद बर्तन को उस उत्तर दिशा में रख दें और हर रोज उसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी देना है। जब धनिया निकलकर बड़ा हो जाए तो उसे प्रयोग में ले लें और सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर कार्यालय या फिर किसी धन रखने वाले स्थान में रख दें और रखने के कुछ ही दिनों बाद आपका जो है आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा सुधरने लगेगी और यह उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। एक बार आप जरूर करके